कॉफी एंजॉय कीजिए। थैंक यू बेटा। उम्मीद है उसे कॉफी की महक से परेशानी नहीं हो रही है। नहीं नहीं, वो अपने रूम में अभी। प्रेगनेंसी के दिन काफी मुश्किल भरे होते हैं, यू नो, सारी आदतें, एटीट्यूड, सब चीजें बदल जाती हैं। मैं ये सब किताबों से पता कर रहा हूँ, पर मैं ये किसे बता रहा हूँ? आपको तो पता है, आपने बर्दाश्त किया है। बिल्कुल बर्दाश्त किया है। इस समय हर किसी को ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ता है बेटा। हाँ, मैं तो उसके सामने अंडे का नाम तक नहीं ले सकता, वो चिढ़ जाती है। आपको यकीन नहीं होगा, पर उसे तो पीली चीजों से नफरत हो गई है, क्योंकि उससे उसे अंडों की याद आती है। क्या कहा? पीली चीजों से? तो फिर तो मुझे अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। थैंक यू मॉम। ये सब मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए कर रही हूँ। और आप एक सुपर दादी हैं। उसके कमरे से बाहर आने से पहले मैं कपड़े बदल लेती हूँ। अगली बार अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे कह देना, ठीक है ना बेटा? मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। कितनी शर्म की बात है, आपने उन्हें क्यों बताया? वो खुद ही समझ गए। अब क्या बात है? वो येलो ड्रेस? मुझे लगता है मुझे बाहर जाना चाहिए अब। ठीक है ठीक है, पर बाहर बहुत ठंड है। थोड़ी ताजी हवा ले लूंगी, और इसके अलावा मुझे कॉलेज भी जाना है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। डॉक्टर ने वैसे भी कहा कि तुम्हें थोड़ा वॉक करना चाहिए, पर मुझसे प्रॉमिस करो कि बच्चे को ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, प्रॉमिस। तुम ना अपनी मॉम का ख्याल रखना, तुम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। क्या हमारी चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलो बाहर तक छोड़ देता हूँ। ठीक है।